21 मई को स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव। तिथि अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीय को हिंगना रोड बंसीनगर स्थित महाराणा प्रताप चौक पर राजपूत समाज एवं समस्त हिंगना वासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी चौक स्थित साई मंदिर से झांकिया एवं ताशा पथक के साथ भव्य शोभा यात्रा बंसीनगर स्थित महाराणा प्रताप चौक के लिए निकाली गई। महाराणा प्रताप जी की मातृभूमि के लिए बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने संघर्ष में जीवन को स्वीकार किया, परंतु स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। ऐसे महान योद्धा के आदर्शों को सामने रखते हुए उनके सम्मान में महाराणा प्रताप की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन 22 मई को इस नागपुर की पावन धरा पर किया गया। यह जो महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव था, इसकी झांकी साईं मंदिर स्थित वहां से होते हुए हिंगना रोड या हिंगना ग्रामीण क्षेत्र में जो यह हिंगना चौक है, इस स्थान पर आकर झांकी रुकी और यहां पर झांकी का भव्य स्वागत किया गया। भव्य नारों के साथ स्वागत किया गया। जो झांकी थी बिल्कुल ढोल ताशों और नगाड़ों के साथ बजता हुआ, यह झांकी मानो नागपुर की शोभा बढ़ा रही हो इस प्रकार से, और नागपुर के लोगों का मनोबल बढ़ा रही हो कि महाराणा प्रताप जी का जो जीवन चरित्र था उसको बताता हुआ यह झांकी यहां तक पहुंचा और इस प्रकार से झांकी चलता हुआ यहां नागपुर की इस हिंगना जो चौक है, इस पर पहुंचने के बाद यहां के स्थानीय और नेता और यहां के पूर्व विधायक तथा मंत्री जो रमेश चंद्र बंग जी थे, उन्होंने भी अपने वक्तव्यों के साथ यहां के जो तमाम अतिथिगण थे उनके साथ उनको अपने मनोगत को व्यक्त किया और महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्रों पर चलने का आह्वान किया। और साथ ही यहां पर जो यह आयोजन समिति है, यह लगातार इस बात का प्रयास करती रहती है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र को जन जन तक और यहाँ के तमाम नागरिकों तक पहुँचाया जाए, जो लगातार अपने उन पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, उन वीर सैनिकों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव इस पावन धरा पर मनाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिससे कि ना सिर्फ समाज में एक अलग तरह की चेतना का आगाज होता है, अपितु समता कुल समाज की भी स्थापना करने का एक निश्चय के साथ इस झांकी को निकालने का उद्देश्य इस समिति का था। साथ ही यहाँ जो यह कार्यक्रम हुआ, जैसे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यह था कि सद्भाव, आज हम सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से, उसमें महाराणा प्रताप जी ने जिस प्रकार से अलग अलग समाज के लोगों को लेकर, भील समाज को इकट्ठा कर जो समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में आता था, उस पंक्ति को के व्यक्तियों को लेकर महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल के साथ युद्ध लड़ने का काम किया। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी ने देखने का काम किया है, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सद्भाव और सामाजिक समरसता का उत्थान समाज में किस प्रकार से किया जाए। मेरा प्रशांत सिंह कश्यप, आयोजन समिति का सदस्य हूँ। कार्यक्रम में बीएन सिंह, रमेश राजपूत, एनआर सिंह के मार्गदर्शन में तथा गुलाब सिंह बघेल, बाबूलाल गुप्ता, विनोद सिंह, मुकेश सिंह राणा, प्रदीप पाली, संतोष सिंह, जॉन श्रीवास्तव, मनोज कुमार सिंह, अरविंद सिंह, अशोक सिंह, प्रेम सिंह राठौर, उमेश सिंह राजपूत, उपसभापति पंचायत समिति हिंगना तालुका राजू जायसवाल, अशोक हिरनवार, अमरनाथ यादव, राम इकबाल यादव, महेश सिंह राजपूत, प्रमोद सिंह ठाकुर, जयनंद सिंह, रंजीत सिंह, अजय सिंह, विनय सिंह, अजीत सिंह, अनिल सिंह, अजय सिंह सिसोदिया, बालकृष्ण सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, आशीष सिंह जनकवार, सागर राठौर, जितेंद्र सिंह गौर, युवराज सिंह चौहान, मंजीत सिंह, अक्षय काले एवं समस्त डिगडो ग्रामवासी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।